दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बारिश होने के कारण कई स्थानों पर जल भराव हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिन तक और बारिश का अनुमान जताया है। शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ है और कई अहम मार्गों पर वाहनों को रेंगते देखा गया। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वैद्यशाला में 6 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पारा गिर गया और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 22.6 डिग्री से दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके तहत दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर आगाह किया गया था।